सरकार द्वारा हुई वादा खिलाफी के एवज में पिछले 1 अक्टूबर से आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्करों का धरना सिरसा के लघु सचिवालय में चल रहा है। प्रशासन द्वारा बेगौरी होने के बाद आज मजबूर होकर आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पर उतर आई, जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा आज हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शव यात्रा निकाली गई। लघु सचिवालय से शव यात्रा शुरू कर दक्ष प्रजापति चौक तक शव यात्रा को निकाला गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि वर्ष 2018 के बाद सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों को कुशल एवं अर्धकुशल श्रेणी में लिया गया, ताकि इन्हें भी श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाए, जिससे जो श्रमिकों को मिलता है इन्हें भी मिलना चाहिए। सरकार द्वारा वादा करने के बाद भी 4 वर्ष बीत चुके, लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों की मांग को अभी तक नहीं माना गया, तो सरकार द्वारा वादा खिलाफी करने के आंगनवाड़ी वर्करों ने धरना दिया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। मनप्रीत कौर, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की प्रधान जिला सिरसा। हमारा प्रदर्शन यहाँ 1 अक्टूबर से चल रहा है डीसी ऑफिस के साथ, डीसी कार्यालय के बाद, और हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि 2018 में भी हमारा प्रोटेस्ट चला था और सरकार ने हमें कुशल अर्ध कुशल श्रेणी में लिया था कि इनको श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा, जो भी श्रमिकों को दिया जाएगा वो इनको भी दिया जाएगा, लेकिन वो 4 साल पूरे होने को है, फरवरी में हो जाएंगे, अभी तक सरकार ने हमारी वो मांग पूरी नहीं की। तब से हम देख रहे थे, बार बार डायरेक्टर ऑफिस कमिश्नर सर से मीटिंग बार बार जाके कर रहे थे, अब हमारे पास ये सड़कों पे उतरने के अलावा और ये आंदोलन करने के अलावा और कोई उसने चारा ही नहीं छोड़ा जी सरकार ने। आज हमने खट्टर साहब का पुतला फूंका है जी, बहुत ही ज़्यादा परेशान है सभी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, जो भी हैं, काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मानदेय हमारा बहुत कम है। जो अगर हमारी सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है तो ये आंदोलन ऐसे और ही तेज होगा जी, हमारी तालाबंदी है, काम हमारा बंद है और ऐसे ही हम ऐसे ही जैसे इनका विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। मुख्य मांग हमारी यही है सर, 2018 में सरकार के साथ समझौता हुआ था कि कुशल अर्ध कुशल श्रेणी में इनको लिया जाता है, लेकिन आज तक उसके बाद हमारी इस श्रेणी में आना तो क्या, जो हमारी पे जितनी आती है वो भी कभी 3,000 आ गई जी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, हरियाणा गवर्नमेंट से शेयर मिलता है, वो कभी आधा डल गया, कभी उसका आधा डल गया, 2 महीने डली नहीं, ये हालात हो रहे हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर पर काम का दबाव, रजिस्टर जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से तो रजिस्टर 15-15 लगे ही हुए, और पता नहीं कितनी कितनी मीटिंगों के रजिस्टर हमें अपने पल्ले से हमारी जेब से पैसा खर्च करके लगाने पड़ते हैं। और मतलब ये है कि सरकार ने आंगनवाड़ी के नाम पर ढकोसले तो बड़े बना रखे, अब प्ले वे, प्री स्कूल, कई कुछ प्रैक्टिस क्लासें लगाने के लिए कह रहे हैं, किसी एनजीओ को प्राइवेट हाथों में हमारी आंगनवाड़ी को दे दिया इन्होंने, हमारी ट्रेनिंग करवा दी वर्करों की, और वो अब कह रहे हैं वो सामान बनाओ, उनको प्रैक्टिस कराओ। ऑर्डर ये है गवर्नमेंट का कि बच्चों को तो सेंटरों में बुलाना नहीं है, और अगर बच्चों को ही सेंटरों में नहीं बुलाना है तो क्लास प्रैक्टिस क्लास किस चीज़ की लगानी है जी, कोई इनविजिबल चीज़ होगी क्या जिसकी हम क्लास लगाएंगे? बच्चों के लिए तो प्ले स्कूल है, बच्चों के लिए ही आंगनवाड़ियाँ हैं, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्या ढकोसला चल रहा है जी सरकार का, परेशान कर रखा है जी सरकार ने।